खबर रामगढ़ से। पंचायत समिति परिसर में सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। आपको बता दें, रामगढ़ पंचायत समिति परिसर में राजस्थान ग्राम विकास अधिकारी संघ के आह्वान पर रामगढ़ ग्राम विकास अधिकारी संघ ने बाधा खिलाफ भी आक्रोश आंदोलन कर धरना प्रदर्शन किया। अपनी मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की, साथ ही मुख्यमंत्री के नाम पंचायत समिति के विकास अधिकारी रामदयाल वर्मा को ज्ञापन सौंपा। ग्राम विकास अधिकारी संघ के अध्यक्ष देवी सिंह सैनी ने बताया कि पूर्व में भी अपनी मांगों को लेकर अनिश्चितकाल धरना प्रदर्शन किया गया था। उस वक्त मुख्यमंत्री द्वारा मांगों को मांगते हुए ग्राम विकास अधिकारी संघ के पद अधिकारियों के साथ समझौता किया गया था, लेकिन अभी तक हमारी मांगें पूरी नहीं की गई हैं। हमें झूठे आश्वासन दिया गया है, इसलिए आज पंचायत समिति परिसर में सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया जा रहा है और मांगों को लेकर तहसीलदार और विकास अधिकारी को ज्ञापन सौंपा गया है। ज्ञापन किस पर और ये सरकार के खिलाफ हमारा आज वादा खिलाफी आंदोलन चालू है। इस उपलक्ष्य में आज हम श्रीमान विकास अधिकारी पंचायत समिति रामगढ़ को ज्ञापन देंगे और श्रीमान विकास अधिकारी के पश्चात हम हमारा ज्ञापन उपखंड अधिकारी रामगढ़ को देंगे। ये हमारा अभियान अभी चालू है और ये अभियान हमारा 30/6/22 से चालू है और 1/9/2022 तक हमारा अभियान अभी लगातार अगले चरण में लागू रहे। क्या मांग है आपकी? हमारी मांग है, एक हमारे पे स्केल 3600 मेन मांग हमारी ये है, इसमें हमारी मांग 3600 होनी चाहिए। पदोन्नति है इसमें। मैं रामदयाल विकास अधिकारी पंचायत समिति रामगढ़, आज 21 तारीख को राजस्थान ग्राम विकास अधिकारी संघ के द्वारा लिखित समझौते लागू नहीं करने के विरोध में खिलाफी में इन्होंने आक्रोश आंदोलन के संबंध में ज्ञापन दिया है और उनकी मांगों को नहीं मानने के लिए इन्होंने कहा है कि भाई अब जब तक हमारी मांगें नहीं मानी जाएगी तो चरणबद्ध तरीके से हम अपना आंदोलन कर रहे हैं। राजनीति से काम तक, अपराध से अंजाम तक, खेत से खलिहान तक, खिलाड़ी से मैदान तक, सितारों से आसमान तक, अब हर खबर पर होगी हमारी पैनी नजर। देखिए इंडिया न्यूज 64 पर।